तो स्टूडेंट्स, हम अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और उनको किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं और इनके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब हम इसके पूरे एग्जाम्पल समझेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? कैसी फिगर? ए फिगर विच इज़ ऑफ सम सिग्निफिकेंस, मतलब वो कुछ काम की है, मतलब काम के डिजिट्स हम यूज़ करते हैं। बट डज नॉट नेसेसरी डिनोट अ सर्टेनिटी, लेकिन जो भी वैल्यू या फिर जो भी फिगर रहेगी वो कंप्लीट सर्टन रहेगी, मतलब फिक्स रहेगी, मतलब उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट तो होगी ही, लेकिन उसमें भी कुछ डाउट रहने के चांसेस रहेंगे, इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, ए फिगर विच इज़ ऑफ सम सिग्निफिकेंस, वो तो कुछ काम की ही है, बट डज नॉट नेसेसरीली डिनोट अ सर्टेनिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना डाउट की है, सर्टन ही है, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डाउट रहने के चांसेस रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, जितना अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर भी अच्छे रहेंगे। तो हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर लेते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, देखो, हमने किसी को कुछ मेजरमेंट करने के लिए बोल दिए और उन्होंने मेजरमेंट किए 12.2, तो कुछ भी चीज़ किसी ने मेज़र कर लिया और आंसर कितना दिया उन्होंने 12.2। अब ये जो 12.2 है, क्या हम ऐसा मानेंगे कि उसने जो आंसर दिया है या फिर मेज़रमेंट किया है क्या एग्जैक्ट है, क्या सही है, क्या उसमें कुछ भी एरर नहीं है? तो हम ये बोल सकते हैं हाँ, उसमें कुछ एरर रहने के चांसेस है। तो देखो, 12.2 किसी ने आंसर दे दिया, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट 12.4 भी तो आंसर देगा, लेकिन 12 देगा, ठीक है, क्योंकि जबकि 12 ये मेन डिजिट है तो ये इसे हम एक्यूरेट मान लेते हैं कि 12 क्या है एक्यूरेट, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद में 2 आया है, क्या ये एग्जैक्टली 2 है या फिर 3 भी हो सकता है या फिर यहाँ पर 2.5 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी के बारे में अपने को कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, मतलब यही है जो सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, ठीक है, लेकिन डिजिट क्या है, मतलब फिगर क्या है 12.2, इसमें स्टार्टिंग के एक्यूरेट जो डिजिट्स है वो भी और जो डाउटफुल है वो भी, ये सभी मिलकर भी बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया सिग्निफिकेंट फिगर ये तो काम की ही फिगर रहती है, लेकिन इसके सभी जो डिजिट्स है सिग्निफिकेंट रहेंगे, मतलब सर्टन रहेंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है, उनमें कुछ डाउट भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर कंसिस्ट ऑफ द एक्यूरेट एंड डाउटफुल मेजरमेंट डिजिट्स, तो इसमें क्या रहेंगे, एक्यूरेट डिजिट्स भी रहेंगे मेजरमेंट के और जो भी डाउट रहेगा वो भी उसमें सिग्निफिकेंट में ऐड हो जाएंगे। और कुछ रूल के बेसिस पर हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपको दिखता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी बिना जीरो वाले डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। देखो, जैसे वैल्यू क्या है, 4.5996, यहाँ पर कहीं पर भी जीरो है क्या? नहीं है, तो ये पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5। 2.12, यहाँ कहीं पर भी जीरो नहीं है, 2.12 और डिजिट कितने हैं 1, 2, 3, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3। 173, कहीं पर भी जीरो नहीं है, 1, 2, 3, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ पर भी कहीं पर भी जीरो नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। और एक रूल हम पढ़ रहे थे, ऑल जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो, यहाँ पर हमने जीरो को कंसिडर नहीं किए थे, लेकिन अगर 2 डिजिट के बीच में जीरो है तो उसको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे देखो, 204, यहाँ पर 2 ये सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और दोनों के बीच में आया हुआ जीरो भी अभी सिग्निफिकेंट रहेगा। देखो रूल क्या है, ऑल जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये जो है सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, दोनों के बीच का जीरो भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1, 2, 3 हो गया। 5 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, इनके बीच के जितने भी जीरो रहेंगे वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1, 2, 3, 4, इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। 2.0105, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे,
नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। 50.3, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, दोनों के बीच में आने वाले 0 भी सिग्निफिकेंट, तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो जीरो रहेंगे वो तो सिग्निफिकेंट रहेंगे, देखो बीच में आने वाले जीरो को हमने सिग्निफिकेंट बोल दिया। अब जो जीरो एंडिंग में आते हैं, ठीक है, जो जीरो एंडिंग में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन एंडिंग में आने वाले जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले चाहिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद में और सबसे एंडिंग में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे 4.20 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और ये जीरो भी एंडिंग में, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 1, 2, 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। अगर मान लेते यहाँ पर पॉइंट नहीं होता और ये एंडिंग का जीरो होता तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलते और सिग्निफिकेंट फिगर उस समय में 1 और 2 दो ही आता। लेकिन हम क्या बात कर रहे रूल की, एंडिंग जीरो, लेकिन वो भी कैसे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में और एंडिंग में आया हो जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा, इसलिए 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। जैसे 420 यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए पीछे का जीरो क्या रहेगा, नॉन सिग्निफिकेंट, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1, 2, 2। 50.30 डेसिमल पॉइंट है, एंडिंग का जीरो क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट, और बीच का आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। 5030 यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं है, तो एंडिंग का आने वाला जीरो क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर अगर 2 है और बीच में आने वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट रहता है। इस तरह से 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग का जीरो मतलब स्टार्टिंग में आने वाले जीरो पॉइंट के बाद रहे या फिर पॉइंट के पहले रहे, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, इसको हम कंसिडर नहीं करते, तो बची हुई वैल्यू ही सिग्निफिकेंट होती है। नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1, 2, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। 0.00049 स्टार्टिंग के पूरे जीरो, ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई वैल्यू रहती तो बात अलग थी, लेकिन कंटिन्यू पूरे जीरो है तो स्टार्टिंग के पूरे जीरो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, 2। स्टार्टिंग का जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। स्टार्टिंग का जीरो भूल जाएंगे तो फिर क्या रहेगा, 1, 2, 3, और बीच में आया हुआ जीरो सिग्निफिकेंट रहता है, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। पावर ऑफ 10, अब हम बात करेंगे 10 के पावर की। आपको पता है बहुत सारे वैल्यूज हम ऐसा देखते हैं जैसे 4×10³³, 10^4, 10^7, 10^2, तो ये जो पावर ऑफ 10 किया रहता है इनको हम सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं करते, तो 10 के पावर को भूल जाते हैं। यहाँ पर 10 के पावर को भूल गए तो बचा क्या, सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1। यहाँ पर इस 10 के पावर को भूल जाते हैं, इनको कंसिडर करेंगे, पॉइंट के पहले का जीरो हम काउंट नहीं करते लेकिन पॉइंट के बाद का जीरो हम काउंट करते, इसलिए 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2। 4.0 पॉइंट के बाद का जीरो हम कंसिडर करते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1, 2, और 10 का पावर हम यूज़ नहीं करते सिग्निफिकेंट में, काउंट नहीं करते, ये काउंट नहीं करेंगे तो फिर क्या आ गया, पॉइंट के पहले का और पॉइंट के बाद का मतलब स्टार्टिंग के जो जीरो है वो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, तो बचा कितना फिगर, 1 ही, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 1। फिर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बहुत सारे होते हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो उन्हें हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट, या फिर प्योर नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, सीधे प्योर नंबर्स है, तो प्योर नंबर या फिर कॉन्स्टेंट, अगर आपको बोला गया कि कॉन्स्टेंट का या फिर प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आपके पास में एक ही आंसर रहेगा और वो रहेगा इनफाइनाइट, और यही है रूल है। केमिस्ट्री में आपने कभी एवोगाड्रोज़ नंबर ऐसा पढ़ लिए होंगे, पढ़े होंगे या फिर पढ़ने के होंगे, ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब किसी ने पूछा कि एवोगाड्रोज़ नंबर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मतलब क्या सिग्निफिकेंट नंबर है उसका, तो वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है और हमें पता है रूल के हिसाब से कॉन्स्टेंट अगर वैल्यू है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्शन होने का
जो एबिलिटी है वो दिया है 3/2। 3/2 को हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 1.5। सॉल्व किए ना फिर नहीं किए तो भी चलता है। तो ये 1.5 क्या हो गया, इसको हम सिग्निफिकेंट में ऐसा 1, 2 ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे। ये क्या है, किसी तो भी चीज़ के बारे में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, उससे ना तो कम रहेगा ना तो ज़्यादा रहेगा। तो फिर ये क्या चीज़ है अपने पास में, ये जो है अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कितना बोलेंगे, इनफाइनाइट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट किसी चीज़ के लिए बोल दिया है। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि किसी सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वो 1.5 रहेगा। सरफेस बदलेगा तब वो बदलेगा, लेकिन सरफेस वही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की 10^8। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि 10 का पावर जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ एक फिगर हो गया तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है तो एक तरह का कांस्टेंट है या फिर प्योर नंबर है ये 3, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल किसने बोल दिया है 10 मैंगोज़ है, 10 मैंगोज़ को बताइए आप कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, क्या 10 रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि 10 मैंगोज़ है वो काउंटेबल है, कांस्टेंट वैल्यू है। 10 मैंगो 10 ही रहते हैं, कभी 11 नहीं बनते। हाँ एक ऐड कर देंगे तो 11 बन जाएंगे, तो वो 11 ही रहेंगे, लेकिन वो क्या चीज़ है, काउंटेबल है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से 10 मैंगोज़ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। पाई की वैल्यू अपने को पता है 22.7 या फिर 3.14 हम बोलते हैं, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया, उनके रूल्स भी हमने देख लिए। अब किसी भी वैल्यू को अगर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है तो फिर हमें कुछ रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं और रूल के बेस पर हम इसे देखेंगे, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो। फॉर एग्जांपल राउंडिंग ऑफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ हम करने वाले हैं लेकिन 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब बहुत लंबी वैल्यू नहीं रखेंगे हम, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही उसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे वैल्यू है 3, 2.43, इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो फिर देखो पहले 2 डिजिट यूज़ करेंगे, 2.4 क्या हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 1, 2, मतलब हमने क्या कर दिया, 2.43 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछा जा रहा है आपको, राउंड ऑफ करने पर वैल्यू कितनी रहेंगी वो पूछा जा रहा है, जैसे 2.26। अब देखो रूल एक है कि अगर कोई डिजिट सपोज टू बी 6, ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके प्रीवियस वाला डिजिट मतलब 2, इसमें प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को हम भूल जाएंगे, 6 है इस ये 5 से ग्रेटर है इसलिए 2 को बना देंगे हम 3, तो 2.3 आ गया सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की ये वैल्यू आ गई जिसे हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो 2.26 को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 2.3। और सिंपल सा रूल है कि जब ये यहाँ का डिजिट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, हेंस ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर, प्रीवियस ये डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इतने सारे वैल्यूज़ दिए हैं, इनको भी राउंड ऑफ करना है लेकिन कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इनको हम अभी राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब नंबर ऑफ डिजिट 3 आने चाहिए, इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं। देखो 4.731, अब पहले 3 डिजिट उठा लेंगे हम, 4.73, तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1, 2 और 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो 4.731 को हमने राउंड अप करके कितना बना दिया, 4.73। वैसे ही 4.732 को भी, ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इससे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट उठा लेंगे, 4.73, 4.734 ये भी वैसा ही हो जाएगा, 0.0423। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है कन्वर्ट। अब देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम 0.04 इतने 3 डिजिट उठाएंगे, तो अगर इस तरह से 3 डिजिट उठाते स्टार्टिंग के, मतलब 0.04 उतने ही अगर हम डिजिट उठाते, मतलब सिर्फ इतने डिजिट अगर हम उठाते, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछूंगा तो आपको पता है स्टार्टिंग के 0 क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, तो बचेगा सिर्फ क्या, 4।
और नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया 1, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमें क्या करना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड अप करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को कंसिडर नहीं करते और बाद में के जो 3 डिजिट है उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। इस तरह से ये तीनों डिजिट को यहाँ पर लिया गया है। अब एक 5 का रूल है, अगर वैल्यू में 5 होता है तब क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 3.251, 3.253, 3.254 आप अगर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 5 5 ऐसे वैल्यू रखी है, ठीक है। तो जब किसी वैल्यू में 5 अवेलेबल होता है तब क्या होता है, तब की हम बात करें, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे तो 5 के बाद में 1 है, 5 के बाद में 3 है, 5 के बाद में 4 है, 5 के बाद में कहीं पर भी 0 मैंने रखा है क्या यहाँ पर, नहीं। तो ये देखो 5 के बाद में जो तीनों डिजिट है ये क्या 0 है, नहीं। तो इन्हीं के लिए रूल है, इफ़ देयर इज़ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 के बाद में अगर ये क्या है नॉन जीरो है, 5 के बाद में 1 नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद में 3 है, 5 के बाद में 4 है, तो अगर 5 के बाद में ये जो नॉन जीरो डिजिट है तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड 1 टू द प्रीवियस डिजिट, उसके पहले वाले डिजिट को, मतलब 5 के पहले वाले, ठीक है, 5 में ऐड 1 नहीं करेंगे हम, 5 के पहले वाले डिजिट को। देखो 5 के राइट हैंड साइड में ये इतने जो डिजिट है ये 0 वाले है क्या, नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, 5 के पहले वाले ये जो डिजिट्स है इनमें क्या कर देंगे हम, 1 को ऐड कर देंगे। तो देखो 2 में 1 को ऐड किए तो कितना हो गया 3, तो 3.3 ये राउंड ऑफ कर लिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। 5 के पहले वाले को हम क्या बना देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3.3। 5 के पहले वाले को हम क्या कर देंगे, 2 प्लस 1 3, तो 3.3 ये हो गया। इस तरह से हम बोलेंगे कि इफ़ देर इज़ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, मतलब 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है तो 5 के पहले वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। इस तरह से हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब ध्यान दो और थोड़ा सा इसे हम टफ बना रहे हैं, ये 5 तो है, 5 के बाद में देखो अभी 0 है या फिर यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं कि 5 के बाद में या तो 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, उस केस में ऊपर ने हमने देखे कि 5 के बाद में 1 2 3 था तो वो नॉन जीरो वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर 5 के बाद में क्या, या तो 0 है या फिर कुछ भी नहीं है। इस केस में हम क्या देखेंगे, 5 के पहले वाले डिजिट हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 के पहले क्या है 7, 5 के पहले क्या है 7, 5 के पहले क्या है 3, और ये जो 5 के पहले वाले डिजिट अगर ये ऑड है, देखो आप ये तीनों डिजिट देखते हैं 5 के पहले वाले तो कैसे ऑड, 7 ऑड है, 7 ऑड है, 3 भी क्या है ऑड है। तो रूल क्या है, देखो इफ़ देर इज़ 0 और नॉन जीरो आफ्टर 5, ये 5 के बाद में इधर में क्या है 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, नो जीरो है, ठीक है, आफ्टर 5, एंड इट इज़ ऑड डिजिट बिफोर 5, और 5 के पहले वाले डिजिट क्या है ऑड है, तो क्या करना पड़ता है, देन ऐड 1 टू दैट ऑड डिजिट, तब उस समय में ये जो डिजिट है उसमें हम प्लस 1 करेंगे। देखो फिर से रूल क्या है, 5 के बाद में अगर 0 है या फिर कुछ भी नहीं है तो 5 के पहले वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तो देखो ये 4.7, 7 की जगह हम लिखेंगे 8, 4.8, 3.7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 3.8, 4.3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4.4। तो इस तरह से हमने इस रूल के हिसाब से राउंड ऑफ कर लिए, मतलब 5 के बाद में 0 या फिर कुछ भी नहीं है और उसके पहले अगर ऑड डिजिट है तो फिर इसमें प्लस 1 करके राउंड ऑफ करेंगे। और ये सभी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने कवर अप किए हैं, राउंड अप किए हैं इसको। देखो अब 5 के बाद में यहाँ पर 0 है या फिर यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। अब ये 5 के पहले के ये जो वैल्यूज़ देखते हैं आप, 5 के पहले के जितने भी आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये देखो 5 के पहले के इतने वैल्यूज़, मतलब इतने डिजिट, 4 4 4 2, ये सभी क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। तो ये इसी के बारे में रूल है, इफ़ देयर इज़ 0 और नो जीरो आफ्टर 5, देखो ये 5 वाली रो है, 5 के बाद में अगर 0 है या फिर नहीं है उस समय में क्या करेंगे,
इट इज़ इफ़ इट इज़ इवन डिजिट बिफोर फाइव, और फाइव के पहले इधर में क्या है, इवन है, तो उस समय में क्या करेंगे, देन डोंट ऐड वन टू इट, ये फोर में प्लस वन नहीं करेंगे हम, वो जैसे है वैसे ही रखेंगे, कीप इट इज़ एज इट इज़। तो 0.4 ये हो गया 0.4, जैसे के वैसा 0.4 जैसे के वैसा लिख दिया हमने। 2.4 ये हो गया 2.4, हमें क्या करना था, टू सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना था, इसलिए टू सिग्निफिकेंट हम यूज़ करें। 5.2 ये हो गया 5.2। इस तरह से हमने ये वाला भी रूल देख लिए, पहले हमने देखे थे कि 5 के बाद में 0 या फिर नहीं है 0 और सामने का डिजिट ऑड है तब क्या होता है, और अभी 5 के बाद में 0 या फिर नहीं है 0 और सामने का डिजिट इवन है तब क्या होता है, ये हमने देख लिए है। अभी जो राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी होता है, तो हम राउंडिंग ऑफ देख रहे हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो सपोज टू एग्जांपल लिए हमने 6.4 और मल्टीप्लाइड बाय क्या किए 0.2, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर कितना आ गया 1.28 आ गया। अब देखो ये जो 6.4 है यहाँ पर मैं पूछूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इस वैल्यू का, पॉइंट के पहले का ये 0 हम कंसिडर नहीं करते, तो पॉइंट के बाद में जो भी है 2 है, ये एक ही डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1, इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 1, ठीक है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो इन दोनों का जो एक्चुअल में आंसर आया था इसको अभी सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे, तो इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिर्फ ये 1 लेना पड़ेगा स्टार्टिंग का डिजिट, एंडिंग में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को हम राउंड ऑफ करते हैं, और इस केस में हमें देखा जाता है कि जो भी वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर इतना सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 1.28 आया था लेकिन हमने उसको कितना लिखे, सिर्फ 1, क्योंकि ये रूल है अपना, इसीलिए। ये देखो और एक एग्जांपल 2.57, यहाँ पर देखो 3 डिजिट है इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, यहाँ पर 2 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2। अब 3 मिनिमम है या 2, तो 2 मिनिमम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है, और हम क्या करेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 2, तो इसको क्या कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमें लेना पड़ेगा ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट 8.2, इसलिए हमने लिए 8.2 और हमने ये राउंड ऑफ कर लिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्यों, क्योंकि रूल क्या है कि जो भी वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर इतना हम राउंड अप करेंगे आंसर को, तो आंसर ये आया था, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप किया हमने इस तरह से, स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमने उठा लिए। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, 24.72 डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4, यहाँ पर कितने हैं 1 2, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो गया 2, इन दोनों का डिवीजन कितना आता है 2.06, तो 2.06 को 2 मिनिमम मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 3 फिगर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, तो इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 और 0 को ही अपने को यूज़ करना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे हम 2.0, समझ में आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अपने को उसको राउंड ऑफ करना था। और एक डिवीजन लेते हैं हम 75.500 डिवाइडेड बाय 25, इसको जब हमने डिवाइड किए तो इसका आंसर 3.02 आया। अब ये ऊपर की वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 25 का 2, इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो आने वाला जो आंसर था इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम यूज़ करेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 ही डिजिट यूज़ करेंगे 3.0, ये लिख दिया हमने 3.0,
3.02 को हमने राउंड ऑफ कर दिए दो सिग्निफिकेंट फिगर में, क्यों किए? क्योंकि ये रूल है इस तरह से। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो गया, लेकिन अभी हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। ये थोड़ा सा और डिफरेंट रूल में चलेगा। ये तीन वैल्यूज़ हमने लिख दिए हैं। अब ये तीन वैल्यूज़ लिखने के बाद में हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हर एक वैल्यू का ढूंढना है, लेकिन लेकिन क्या पॉइंट के बाद में, ठीक है, पॉइंट के पहले वैल्यू किसी भी डिजिट को हम यूज़ नहीं करने वाले। तो देखो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितना है? तीन। सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखा हमने? तीन। एक्चुअल में ये चार है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन रूल हम यूज़ करेंगे पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर की, तो कितने हैं? थ्री। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? टू। पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? वन। अब ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? वन। तो आया जो भी आंसर सभी के एडिशन से, इसको क्या करेंगे? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जैसे हमने पॉइंट के बाद कंसीडर किए, आंसर में भी पॉइंट के बाद ही कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट के बाद में एक सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रखना है। पॉइंट के पहले जो वैल्यू आई थी 5, जैसे कि वैसा लिख दिया, और पॉइंट के बाद में पहला डिजिट जो भी 1 है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। और एक बार इसको देख लेते, ध्यान दो। दूसरा एग्जांपल 3.2 में हम ऐड करें 0.23। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर देखो पॉइंट के बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग होता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो हम यूज़ करते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, SF हो गया 1। पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसलिए SF हमने लिख दिया 2। इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 1। तो आने वाले आंसर को, लेकिन पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, इसलिए पॉइंट के बाद में से 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में 4 लिख दिए। पॉइंट के पहले का 3 तो लिख ही दिए, और पीछे का 3 हम भूल गए। ये रूल है। इस तरह से हमने 3.43 को 3.4 में राउंड ऑफ कर लिए। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन है, 4.835 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 1, 2, 3, ये हो गया 3। आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, इसलिए SF कितना लिखा? 1। 3 और 1 में से मिनिमम क्या है? 1, ये क्या है? मिनिमम। तो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से जो भी आंसर आएगा, तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक उसको रखना है। तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्या है? 7, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद में 7 तक रखे इसको, और बाद में 3.5 जो है उसको हटा दिए। तो इस तरह से 2.35735 को हमने राउंड अप करके 2.7 हमने लिख लिया। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने क्या कर दिए, ये पूरा राउंड ऑफ कर दिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी हमने पढ़ लिए हैं। आपको क्या करना है, पूरे रूल्स बहुत अच्छे से याद करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। बीच बीच में हम भूल भी जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर और उनको राउंड ऑफ से करते हैं वो हमने सीख लिए हैं।